नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज़। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। तेज हवाओं के कहर की चपेट में आए तीन नाबालिग बच्चे, तीनों को घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में आज दोपहर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके साथ ही मधुसूदनगढ़ के इमलिया गांव में तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीन बच्चे घायल हो गए। इन तीनों घायल बच्चों को इलाज के लिए मधुसूदनगढ़ अस्पताल में ले जाया गया। घायल बच्चों का इलाज वहीं पर जारी है। आजा बेटा, आजा। बेटा आपका नाम? अवतार गोड़े। ये चोट कैसे लगी आपको? इमली का पेड़ गिर गया था। अच्छा, कौन कौन के चोट आई है? अवतार गोड़े के वो जो आजी गोड़े के योगा गोड़े। अच्छा, तो क्या आप पेड़ के नीचे बैठे थे कि खेल रहे थे? दुकान पर बैठे थे। अच्छा, तो हवा वगैरह के कारण पेड़ गिरा क्या? हवा के कारण पेड़ गिरा। अच्छा, मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। जिले के मौसम ने अचानक लिया मोड़, जिसके चलते जिले भर में हवाओं के साथ पानी भी गिरा। इसी के चलते मधुसूदनगढ़ में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश भी हुई, जिसके चलते आमजन को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। वहीं विशेषज्ञों की माने इस पानी के गिरने से बीमारियों के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मौसम में अचानक आया बदलाव, जिसके चलते जिले भर में मौसम सामान्य हो गया। लोगों को गर्मी से कई हद तक राहत मिली। इसी के चलते आज शहर में भी बूंदाबांदी हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए लोगों को आराम महसूस हुआ, लेकिन इसके बाद उमस बढ़ गई है। बारिश पानी नहीं गिर रहा, बहुत जोर का पानी गिर रहा। मन संस्था के द्वारा आज मातृ दिवस के मौके पर आयोजित किया मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला। ग्रीन पार्क कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से माता पिता को यह बताया गया कि किस तरह से मंदबुद्धि बच्चों की पहचान की जाए। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों एवं मानसिक विकलांग बच्चों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मन संस्था के द्वारा कई वर्षों से शहर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नशे की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए मन संस्था नशा मुक्ति केंद्र भी खोला गया है। जागरूकता शिविर लगाना, मनो यौन रोग संबंधी समस्याओं का निराकरण। 2009 में मन का जन्म हुआ। 2009 से लेकर कराना, जो कि आज आपको करवाई जाएगी, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। बच्चों के अंदर मानसिक समस्याओं का अध्ययन, काउंसलिंग एवं निराकरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक बीमारी के लिए जागरूकता एवं उपचार कैंप लगाना। मानसिक बीमारियों के लिए क्लिनिक का सिल्वर मेडल स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2014 न्यू दिल्ली में।
मन स्कूल के बच्चों ने हासिल किया। इसके साथ ही पार्क आज 13 मई 2018 मदर्स डे के दिन हमने खास तौर पे ये दिन चुना है। आज के दिन हम लोग बताना चाहते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग जो लोग होते हैं या मानसिक रूप से बीमार जो लोग होते हैं वो समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, है ना। इनके लिए बहुत सारी सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जाती हैं पर माता पिता को जानकारी नहीं होती है ना, उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे यहाँ पर। साथ ही साथ हम लोग ये बताएंगे कि कैसे ये पहचाना जाए कि कोई बच्चा मानसिक रूप से निःशक्त है, तो जल्दी से जल्दी पहचान कैसे की जा सकती है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भी माता पिता को जानकारी दी जाएगी कि कैसे वो लोग पहचाने कि बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, तो उन्हें कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है ताकि बच्चा शुरुआत से ही मानसिक रूप से विकलांग ना हो, और अगर हो गया है तो उसके लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए ताकि उसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके ताकि उसकी हालत और ज़्यादा ना बिगड़े, और इसके अलावा कौन कौन सी लोन की प्रक्रिया होती है कि अगर बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है तो वो क्या क्या काम अपने जीवन में कर सकता है, उसके लिए सरकार से उसे कैसे पैसा मिलता है, उसके बारे में सारी स्कीम्स की जानकारी आज दी जाए। शहर में BCCI क्रिकेट क्लब के 11 के कोच बच्चों को समर कैंप में सिखाएंगे क्रिकेट के गुण। बता दें कि यूथ क्रिकेट क्लब के समर कैंप में इंदौर से मनप्रीत सिंह संधू को बुलाया गया है। मनप्रीत BCCI के 11 के कोच हैं। इसके साथ ही दुबई में चामुंडावास अकादमी के हेड कोच भी रह चुके हैं। मनप्रीत इस समर कैंप में 2 दिन तक रहकर बच्चों को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत कराएंगे। ये यूथ क्रिकेट क्लब संजय स्टेडियम में 2 दिन का शिविर लगाया गया है जिसमें हमारे कोच को आमंत्रित करके बुलाया गया इंदौर से। उनका नाम है मनप्रीत सिंह संधू जो कि BCCI के लेवल 1 कोच हैं, दुबई में चामुंडावास क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच रहे हैं और MBC में अंडर 16 की टीम, 19 की टीम भी संभाला है। BCCI के लिए वीडियो एनालिसिस का काम भी करते हैं और हमें गर्व की बात है, ये हमारे गुनाह में आते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आज कार्यक्रम में आप आए इसको लेकर? जी हाँ, यूथ क्रिकेट क्लब का ये समर कैंप आयोजित किया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए, तो इसी आयोजन के लिए मैं 1-2 दिवसीय अपने कुछ आइडियाज़ और स्ट्रेटजी बच्चों को शेयर करने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ गुदाम में। और उसके पहले भी मैं इस क्लब के लिए समर कैंप्स के लिए यहाँ पर आके मैंने बच्चों को कुछ दिन के लिए कोचिंग दिया हुआ। निरंकारी भवन में आयोजित किया गया समागम। इस समागम में निरंकारी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही स्लाइड शो के माध्यम से सभी निरंकारी जनों को आगामी कार्यक्रमों के बारे में अवगत भी कराया गया। बिंदर
की थकान के बाद अब एक अच्छी खबर। एक युवा ने बीड़ा उठाया है नेशनल हाईवे पर लगे पेड़ों को सूखने नहीं देने का। आमतौर पर देखा गया है कि सरकारी पैसे से या फिर लोग अपने द्वारा स्वेच्छा से पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में पेड़ सूख जाते हैं। ऐसे में शहर के एक युवा पुष्पेंद्र ने बीड़ा उठाया है कि जितना अधिक से अधिक बन पड़ेगा वह इन पेड़ों को सूखने नहीं देगा। इस युवा ने अपने काम को अंजाम देने के लिए पानी के टैंकर ले जाकर इन पेड़ों को पानी अपने दोस्तों के साथ डाला। डीजियाना न्यूज इस युवक के जज्बे को सलाम करती है और आप सभी से अनुरोध करती है कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही सब कुछ नहीं होता है, उनकी देखरेख भी जरूरी है। इस युवा की तरह आप लोग भी इस नेक काम को कर सकते हैं। और हमारे सभी भाई बहुत अच्छा काम करते हुए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आज पेड़ सूख रहे थे। बेकल के पेड़ है का फोटो नहीं क्या जी सफेद बटन दबा चलू बीच बीच में ऊपर से पकड़ो ऊपर से लिया आराम से भाई जाओ आराम से इतने देखो तीन ही इतने देखो ओए नली पकड़ो तीन ही और इतने देखो ओए अरे पुष्पेंद्र जो व्हाइट बटन आ रहा है स्पॉट नीचे वो दबा भी छोटा सा लो तो देखो तीन ही अब जनरली पकड़ गए। मैं वहां से दो तीन बार गुजरा तब मैंने वहां देखा कि जो अपने रोड के साइड में जितने भी पेड़ लगाए गए थे पूरे सूख चुके हैं। बस तब से ही मैंने जिम्मा उठा लिया कि बस इन पेड़ों फिर से यहाँ हरियाली लानी है वो चाहे कैसे भी आए। तो आप ये अब करते रहेंगे ऐसा काम? मैं बिल्कुल जितना मुझसे बनेगा 5 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी मुझसे बनेगा मैं करता रहूँगा। मैं पानी डालता रहूँगा और टैंकर ला के। ये टैंकर आप अपने खुद ही अपनी तरफ से लाए थे? जी हाँ। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।